जो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिकली एंड द स्टूडेंट्स दैट आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम? मैं समझता हूँ कि जो बच्चे डिग्री के साथ साथ या डिग्री के दौरान प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर देते हैं, उनका एक्सपोजर और उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। सर, आपको क्या लगता है कि जो न्यू हमारे पास पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास न्यू जनरेशन है जिनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, हुकूमत जो है वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है? वो अपॉर्चुनिटीज देती जरूर है, लेकिन वो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जितनी के बच्चों के लिए होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर अहमद जहीर साहब के पास, जो मीडिया डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्ट्रक्टर भी है। तो आज हम बात करेंगे उनसे कि देखा जाए कि मैथ्स कम्युनिकेशंस की डिग्री करने के बाद जो स्टूडेंट्स फील्ड में जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से हम अपने टीचर से गुफ्तगू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम में जो मैथ्स कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। आप हमारा सारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम में मिल सकती है। जी शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि मास कम्युनिकेशन चूँकि एक सिजलिंग डिसिप्लिन है और कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ का एक डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो जर्नलिज्म के साथ साथ किस तरह से इस डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके इसमें और बहुत से ऐसे मौके हासिल कर सकते हैं जिसमें कि वो अपना नाम बना सकें, जिसमें कि वो अपने टैलेंट को जो है वो उजागर कर सकें और आगे चलकर जो है वो इस प्रोफेशन के ज़रिए जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर अपना एग्जीक्यूट करें। तो जैसा कि आपने पूछा कि प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो मास कम्युनिकेशन में बच्चे किस तरह से अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दौरान स्टडीज ही बच्चों को ये चाहिए कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट के लिए देखें, ज़रूरी नहीं कि अब आपने मास कम्युनिकेशन में आए हैं तो रिपोर्टर ही बनना है। मास कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट जो है वो फील्ड है जिसमें सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि एंकरिंग है, प्रोडक्शन के बहुत सारे ऑफशूट्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर इसके अंदर अब दौरे जदीद के अंदर तो सोशल मीडिया इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जिसमें मल्टीपल टास्क हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले तायुन ये करना है कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, जब आप इस चीज़ का फैसला कर लेंगे कि आपने क्या काम करना है, रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है या प्रोडक्शन में जाना है, देन फिर आपको ये देखना होगा कि उसमें किस जगह पर आप जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है वो मुतालिया की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें, लाइब्रेरीज विज़िट करें, किताबें पढ़ें, अखबारात पढ़ें, दूसरे जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनके काम को ज़रूर अपना जो है वो परखें, जानें, उनको उनके नज़रियात को जो है वो समझें कि वो किस तरह से बात कह रहे हैं, वो अपना नरेटिव किस अंदाज से पेश कर रहे हैं। और फिर कोशिश करें कि आप कोई ना कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जो है वो हासिल करें। वो खा अगर आपको इदारा लेकर दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर इदारा आपको नहीं लेकर दे रहा तो आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं और उसके लिए आप खुद निकलें और देखें कि किस इदारे में आप अपनी स्पेस बना सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपना उनसे गुजारिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अपने साथ अपनी अंडर सुपरविजन जो है वो काम दें और काम सिखाएं। ठीक है, और शुरू में मैं ये समझता हूँ कि बहुत से इदारे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेड इंटर्नशिप तो ऑफ़र नहीं करते, तो इसलिए बेहतर है कि आप अनपेड इंटर्नशिप जो हैं वो ज़रूर अवेल करें और उनके ज़रिए अपनी स्किल्स को इन्हांस करें। वंस आप चीज़ें लर्न कर जाएंगे, आप अपनी स्पेस बनाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको नई डायमेंशंस और हराइजन्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, नए नए एवेन्यूज़ आपके सामने आएंगे जिनसे आप अपना जो है वो आगे ग्रो कर सकते हैं और आगे ज़िंदगी में
और ज़्यादा जो है वो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे मैंने कहा कि अगर अदर देन रिपोर्टिंग आपने जाना है तो आप प्रोडक्शन की फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि फैसलाबाद में तो प्रोडक्शन हाउसेज इतने नहीं हैं, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसा शहर ऑप्ट करें जहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जो आप काम करना चाह रहे हैं। लाइक आप प्रोडक्शन में लाहौर जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, वहाँ जाकर काम कर सकते हैं, और इससे जो है वो मेरा ख़्याल है कि आप के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी कि आप अपना मनपसंद मनचाहा काम जो है वो सीख सकेंगे। तो सर क्वेश्चन है मेरा एक कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिकली एंड द स्टूडेंट्स दैट आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल वर्क, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दम? मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे डिग्री के साथ साथ या डिग्री के दौरान प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर देते हैं उनका एक्सपोजर और उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और उनके लिए जो है वो अपना करियर बनाना या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर हो जाना जो है वो कदरे आसान हो जाता है बनिस्बत उनके के जो बिल्कुल सिर्फ थेरेटिकल जो है वो काम कर रहे हैं। और मेरी ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि आप जो भी अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ें उनको आप ज़रूर प्रैक्टिकली जो है वो एग्जीक्यूट करें, और इसी से जो है वो आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और जिद्दत लेकर आ सकते हैं। सर जैसे हमारे पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे पास 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली ऑलरेडी कमिटेड होते हैं विद सम प्रोफेशन, तो अगर वो इस फील्ड में आते हैं विद द ओपन यूनिवर्सिटीज दे डोंट गेट द चांसेस टू डू द प्रैक्टिकल वर्क, व्हाट आर द वेज दे कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस, कब कैसे वो ले सकते हैं? जैसे कि स्पेसिफिकली अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो देखें ओपन यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि वो यूनिवर्सिटी बनाई ही प्रोफेशनल लोगों के लिए गई थी कि जो ऑलरेडी अपने करियर में जो है वो काम कर रहे हैं, और वो अगर अपने ही करियर के अंदर रहते हुए या स्विच करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो देन ओपन यूनिवर्सिटी उन्हें वो मौके प्रोवाइड करती है कि जहाँ पर वो डिग्रीज हासिल कर सकते हैं और फिर अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और अब आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो अपने टीचर से, इंस्ट्रक्टर से या अपनी वहाँ की इंतज़ामिया से बात करने की ज़रूरत है कि वो आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इंतज़ाम करें कि जहाँ पर जो है वो आपको प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। नहीं तो फिर जो सेकंड मेरा ख़्याल है जो एक ऑप्शन रह जाती है वो ये है कि आप ख़ुद से जो है वो निकलें और आप अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन के जो इदारे हैं उनमें जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी इस गुजारिश को जो है वो पेश करें और उन्हें आप कन्विंस करें कि वो आपको और आप जैसे आपके दीगर जो तलबा हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो आपके थोरेटिकल काम का प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है वो आपको दें, ताकि इससे आप एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें और अपनी थोरेटिकल जो लर्निंग है उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जो है उसको भी देख सकें। और इसी तरह से जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी इस कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर देन अगर ओपन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा दीगर हम यूनिवर्सिटीज़ पर नज़र डालें तो सिर्फ एक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है जो शोबा बलागियात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में डिग्रीज ऑफ़र कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चूँकि ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं और डे टू डे अपना जो है वो इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और फिर चूंकि एक जनरल कैटेगरी की बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर ये है कि उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की आमदोरफ़्त भी है और बहुत सारे जो अखबारात हैं या चैनल्स हैं उनके MOU साइन हुए हुए हैं जिसके तहत जो है वहाँ के बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप्स अवेल करते रहते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए जो है वो दौराने स्टडीज ही जो है वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो गेन कर जाते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें अवेयरनेस फ्राहम करने के लिए, उन्हें आइडियाज़ देने के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक स्टूडेंट्स मैस कम्युनिकेशन का सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या अपनी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है, किस किस लाइन में जा सकता है, और कैसे, क्या आप सजेशन करेंगे उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें? जी उसामा, आपका सवाल है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आज का स्टूडेंट जो है वो किस तरह से एंटरप्रेन्योर बन सकता है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया अब एक स्टूडेंट के लिए जो है वो बहुत सारे एवेन्यूज जो है वो पेश करता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को हर तरह से पॉलिश कर सकता है। देखें, आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना यूट्यूब पर चैनल बनाकर आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। बीइंग जो है वो आप एक अच्छे स्पीकर के तौर पे आप कुछ अच्छी फिल्म्स बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो है वो अपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आप फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप बहुत से और लोगों का जो है वो काम व्यू कर सकते हैं, और वहाँ से आइडियाज़ लेकर आप उनके अंदर कोई ना कोई जिद्दत लेकर आ सकते हैं, और उस जिद्दत को आप अपने ख़ुद के काम में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने तो अब तकरीबन दुनिया में हर इंसान को जर्नलिस्ट बना दिए। अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सिर्फ जो ये सेलुलर डिवाइसेस हैं इनका इस्तेमाल करके अपने जहन की जो भी आपकी सोच है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आवाज़ की सूरत में, वीडियोस की सूरत में आप लोगों को अपनी नज़र से जो है वो दुनिया दिखा सकते हैं। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि हमारे पास बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों ने जो है वो नाम भी कमाया है, पैसे भी कमाए हैं, और अच्छी खासी जो है वो शोहरत हासिल की है। ठीक है, देखें, ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है जो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अगर उनमें काम करने का जज्बा है और वो जर्नलिज़म में आगे आकर अपना जो है नाम बनाना चाहती हैं और जो है वो अपने इस जज्बे के ज़रिए जो है वो लोगों को कुछ नया बताना चाहती हैं, तो वो घर बैठकर इस मीडियम का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी स्किल्स के ज़रिए जो है वो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकती हैं। ठीक है, और इससे वो घर बैठकर जो है वो पैसे भी अर्न कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर के अंदर जो है वो बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के सही और गलत दोनों तरह के यूज़ होते हैं। ठीक है, और बच्चों को मैं ये गाइड करता हूँ और मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि वो इस दौर में इस मीडियम से इस्तफादा हासिल करें। और अब तो लाइक आप दुनिया में कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए आप एक सेकंड के अंदर जो है कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और फिर उसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कोई मुनफरद चीज़ जो है वो बनाकर पेश कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आप ग्रो भी करेंगे। और देखें, बहुत सारे आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जो पहले सोशल मीडिया पर आए और बाद में रिवायती मीडिया पर जो है वो स्विच किए, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनके टैलेंट को देखते हुए ट्रेडिशनल मीडिया ने उनको खुद से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की कि वो उनके लिए आकर जो है वो काम करें। ठीक है जी, एग्जैक्टली, बहुत से हमारे पास एंकर्स हैं, बहुत से हमारे पास रिपोर्टर्स हैं, बहुत से हमारे पास एनिमेटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया सोशल मीडिया पर और नाम कमाया, और फिर उसके बाद वहाँ से उन्हें ट्रेडिशनल मीडिया ने उठाया और आज वो ट्रेडिशनल मीडिया के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर अपना जो है वो यूटिलाइज करें। ठीक है, इससे ज़रूर सीखें। सर, आपको क्या लगता है कि जो न्यू हमारे पास पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास न्यू जनरेशन है जिनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, हुकूमत जो है वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है, और क्या उनके पास रास्ते हैं कि जिस पर चल के वो अपने इस प्रोफेशन को एज करियर चूज़ कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट जो है वो तो हर साल बच्चों को इसमें मतलब नौकरियाँ प्रोवाइड करके
ठीक है, फिर इसमें जो है बच्चों के लिए जिद्दत और नई चीज़ें लाकर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती ज़रूर है, लेकिन वो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जितनी के बच्चों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और अगेन बात वही है कि कोई भी जो शोभा होता है, कोई भी जो डिसिप्लिन होता है, उसकी अफादियत जो है वो देखी जाती है कि दौर में उसकी खपत कितनी है, उसकी जो मतलब जो लोग डिग्रीज़ करके निकलेंगे क्या वो मतलब जॉब भी ले पा रहे हैं, क्या वो माशरे के अंदर सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, उनकी अपनी जो स्किल जो उन्होंने एक्वायर की हैं ड्यूरिंग द डिग्री क्या उनको वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन हाजिर वक्त के अंदर एक ऐसा शोभा है कि जिसकी मैं समझता हूँ कि माशरे को ज़रूरत है। ठीक है, और देखें आज कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ पर आपको एक मास कम्युनिकेशन का शख्स जो है जिसकी ज़रूरत ना हो। एज अ PRO हर डिपार्टमेंट की मार्केटिंग के लिए, हर डिपार्टमेंट की पब्लिसिटी के लिए जो है वो हर इदारे को PRO की ज़रूरत होती है। और PRO जो है ये बेसिकली एक ऐसा शख्स होता है जो इदारे और इदारे के स्टेक होल्डर्स के माबेन जो रवाबित हैं उनको मुस्तहकम करता है, उनके दरमियान में हायल होने वाले जो मसाइल हैं उनको दूर करता है और उनके दरमियान की जो कम्युनिकेशन है उसको ब्रिज करता है। तो इस लिहाज से आप देखें कि एक PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है, जो कि एक मास कम्युनिकेशन किया हुआ ही शख्स होता है, वो बड़ा कारामत साबित होता है इदारों के लिए। फिर इसी तरह मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छे बोलने वाले मुकर्रर पैदा करता है, बहुत अच्छे लिखने वाले बड़े दानश्वर तरह के लोग पैदा करता है। ठीक है, जिनकी आगे चलकर जो है वो इदारों को माशरे को ज़रूरत रहती है और वो माशरे में अपना बड़ा अच्छा एक कलीदी किरदार जो है वो निभा रहे होते हैं। रही बात जहाँ तक हकूमत है, हकूमत कोशिश तो कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की। हकूमत देखें आज जो है वो सबसे ज़्यादा देखा ये जाता है कि हकूमत से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी सब्जेक्ट के एवज़ कितनी नौकरियां जो है वो हर साल जो है वो निकाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पहले तो शायद उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब चूँकि जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर जिद्दत आई है, इस फील्ड्स के अंदर नई ऑफशूट्स जो हैं वो निकली हैं, वैसे वैसे उनकी मॉनिटरिंग के इदारे भी जो है वो बने हैं और उन इदारों के बनने से नई अपॉर्चुनिटीज़ जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए बनी हैं। जैसे सपोज मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ पेमरा का इदारा, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो फलने फूलने लगा और हमने देखा है कि मुशर्रफ रजीम ने बड़ी तेज़ी से जो है वो इस इदारे ने ग्रो किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और हकूमत ने भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है वो लाइसेंसिंग के मामले के अंदर जो है वो थोड़ी सी नरमी बख्शी और लाइसेंस देना शुरू किए, तो उससे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी। फिर साथ ही साथ दूसरी जानिब जो है हकूमत ने एक मॉनिटरिंग इदारा पेमरा के नाम से बनाया। ठीक है, तो पेमरा जो है वो चूँकि हुकूमती इदारा था तो हुकूमत के अंदर भी एक खपत का कारखाना जो है वो जनाब लगा, जहाँ पर लोगों को बड़ी ज़्यादा तादाद में नौकरियाँ मिली। ठीक है, फिर इसी तरह जब सोशल मीडिया पेनिट्रेट करने लगा तो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन को देखते हुए हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का इदारा जो है उसको मुस्तहकम किया, उसके अंदर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कायम की, एक सोशल नेटवर्किंग का एक अलहदा से विंग जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। फिर इसके अंदर और कुछ नए अपना जो है वो डिपार्टमेंट्स ओपन किए गए। तो हमने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं हकूमती सतह पर भी और माशरती सतह के ऊपर या कॉरपोरेट लेवल पर भी जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। हाँ, इस पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उतनी नहीं हो रही जितनी के होनी चाहिए। जिस तादाद में बच्चे फारगुल तहसील हो रहे हैं उस तादाद में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो सिविल सोसाइटी और हकूमती इदारे और जो अपना जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको मिल बैठकर
जो है वो गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो इस कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मौके जो है वो पैदा किए जा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थे अहमद ज़ुहैर ख़ान साहब, जिनसे हमने बात की उन मसाइल पर जो कि तलबा तालबात फ़ेस करते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन में आने के बाद, और उनसे हमने ये भी बात की कि जो स्टूडेंट्स जिनको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती प्रैक्टिकल वर्क की, वो कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सर ज़ुहैर ने हमें बहुत अच्छे सजेशंस दिए और मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल करते हुए हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल वर्क करने की, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान फरवा को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।